Assalamu alaikum, hope you all are doing really good. Welcome back in another video, or can say a vlog, and welcome back to my YouTube channel. So guys, I just woke up. As you see, mera bistar jo hai wo abhi bhi phaila hua hai, and I decided to shoot a video, or can say a vlog, for all of you because I have few things to do today because I am free and I am on holiday. So why not? So abhi jo hai maine just breakfast kiya hai kyunki main so gayi uthi thi, to it was a bedtime tea and bedtime breakfast because my husband made it. So he just left for work and I have some things to get done. I will let you know that what are those things. Plus kyunki main bhi uthi hu, to I am thinking ki I should go and take a shower, and uske baad main aap logo ko dikhaun ki what things I bought in Superdrug, kyunki maine ek story lagayi thi apne Instagram pe in which I was like I will shoot a video on a, you know, Superdrug haul because I used to get or buy a lot of things from there. So that's the reason behind that. So let me show you, and you guys must be saying like in a reaction or in a result that why man, why you bought this, because it's too much for two of you. So I will answer all of the reactions in my this video, like without getting the reactions. Oh my god. So I'm going to have a shower, and then rest of the things hum log baatein karte rahenge, like rest of the things will be discussed in the video, okay? तो भाई शॉवर वगैरह जो है वो ले लिया है, एंड नाउ आई एम फीलिंग सो फ्रेश. तो अब जो है वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ कुछ चीज़ें जो कि मैं लेके आई थी. उससे पहले ज़रा मैं थोड़ा सा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लूँ. अच्छा, अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी प्रमोशन. जो मैं लेके आई हूँ, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, किसी भी चीज़ की कोई भी प्रमोशन जो है वो मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना? तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, और ना मुझे कोई शौक है स्पॉन्सर वीडियोस करने का. तो अच्छा, मैंने यहाँ पे अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ बहुत हैं, तो मैंने जो अपने लिए मॉइस्चराइजर्स रखे हुए हैं वो दो तीन तरह के रखे हुए हैं, क्योंकि अगर मैं काफ़ी अरसे तक एक ही यूज़ करने लग जाऊँ ना, तो उससे मेरी स्किन पर पिम्पल्स आने लगते हैं. आई डोंट नो व्हाई, क्या चीज़ है, बट स्टिल. तो राइट नाउ आई एम यू नो अप्लाइंग अ शिया बटर टू माई स्किन, ठीक है? और बॉडी शॉप का शिया बटर है ये. लेट मी हैव यू द लुक दैट हाउ इट लुक्स लाइक, बिकॉज इसको लगाने के बाद ना आपकी स्किन काफ़ी फ्रेश और शाइनी सी हो जाती है. तो या तो मैं ये यूज़ करती हूँ, या मैं एक विटामिन ई जो मैं अभी आपको दिखाऊँगी वो यूज़ करती हूँ. सो ये बॉडी शॉप का शिया बटर है, जो कि अंदर से यहाँ पे आगे ये होता है शायद क्रीम फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर मैं लेके आई हूँ तो ये जो है वो बिल्कुल फ्रीज़ हो गया है, मतलब जिस तरह बटर होता है सेम वैसे. तो उसके अलावा ये मैं नहाने के बाद, क्या मोस्टली जब मैं फेस वॉश करके आती हूँ तो उसके बाद मेरी यही रूटीन होती है. उसके बाद ये लिप बाम जो वैसलीन की मैंने यहीं आके ली थी, ये फ्रूटी सी इसकी स्मेल है, और हल्का सा ये आपके लिप्स को पिंकी सा लुक दे देती है, पिंकिश पिंकी. ओह माय गॉड. सो दैट्स इट. बाकी जो मॉइस्चराइजर हैंड्स एंड फीट का था वो मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ, क्योंकि वो मैं अपने साथ ले जाती हूँ वॉशरूम में. और क्योंकि मुझे हल्की हल्की जो, मतलब आप जब नहाते हैं तो आपकी स्किन मॉइस्ट होती है, उस पर अगर आप मॉइस्चराइजर लगा लें तो इट्स लाइक सो फ्रेश एंड सॉफ्ट, तो इसलिए मैं जो है वो ऐसा करती हूँ. बाकी मुझे निकलना भी है, और यकीन करें मैं हीटर चला के गई हूँ, और अभी मैं बैठी हूँ तो मुझे अब गर्मी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट आ रही है. यहाँ से ये हीटर चला हुआ था, अभी मैंने फ़ैन चलाया है. अच्छा, मेरा हीटर भी 2-in-1 है, शुक्र है. तो लेट मी शो यू. सबसे पहले मैं जरा यहाँ वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ मैंने चीज़ें रखी हैं वहाँ से निकाल लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपकी बहन क्या लेके आई है. ये देखें, ये मैंने अभी उसको एक बैग के अंदर किया है, जो कि आ भी नहीं रही हैं, और इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ. अभी मैं आपको फ्रंट कैमरा से एक एक करके सारी चीज़ें दिखाती हूँ. ओह माय गॉड. अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ जो मैंने ख़रीदी थी
वो विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम थी जो कि फुल बॉडी क्रीम है, जिसकी मैंने एक बॉटल जो है वो ख़त्म कर दी है। आई स्वेयर, मैं मेरे पास सामने बॉटल पड़ी है, मैंने अभी दूसरी खोली है और मैं दो और लेके आई थी उसके बाद, बिकॉज द रिजल्ट्स वर सो सेटिस्फाइंग। मैं बता नहीं सकती, जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो सबूर को गई थी काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस है, इनकी वो झड़ रही थी उसकी स्किन से। तो ये देखें, ये वो क्रीम है विटामिन ई की जो कि मैं लेके आई हूँ, एक नहीं पूरी दो बॉटल्स। एक जो है वो मैंने अपने लिए ली है क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई स्किन नहीं है, तो मेरी ये वाली है, यानी कि ये है फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, एज यू सी शायद आपको दिख रहा हो, ठीक है। और ये वाली जो है वो है फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन। तो ये सबूर के लिए ली थी और ये अपने लिए, लेकिन हम लोग मिलके यूज़ कर लेते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन वाली यूज़ कर लूँ, एक्सट्रीम मॉइस्चराइज कर देती है मेरी स्किन को, दैट्स इट। तो ये जो है वो दोनों, दीज आर द सेवियर, एंड ये हम दोनों अगर यूज़ करें फुल बॉडी के लिए तो ये हम लोगों की चल जाती है मैक्स मैक्स एक मंथ और मे बी मोर देन दैट। तो इसी मैंने दो ले ली थी बिकॉज अभी क्रिसमस की वजह से ये मुझे रिडक्शन में मिल गई थी, रिडक्शन सेक्शन, जिन जिन को पता होगा दे विल नो। तो उसके अलावा मैंने लिए थे कुछ हैंड सैनिटाइजर्स जो कि इतने चीप थे रिडक्शन में, आई वॉज लाइक व्हाट द हेल, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने जो लिए थे वो मुझे बड़े महंगे पड़े थे, लेकिन ये मैं तीन फ्रेग्रेंस वाले जो है वो लेके आई हूँ। ये देखें, रेवोल्यूशन स्किन केयर लंदन के, जिसमें से एक लेवेंडर का है, एक ओशियन का है एंड कोकोनट का है। ये वाटरी वाली कंसिस्टेंसी नहीं है, ये जेल फॉर्म वाले हैं, एंड आई वाज लाइक कि यार हम लोग जैसे रोज़ रस्ते में जाते हैं, सो दिस इज़ पॉकेट फ्रेंडली, आप इसको कहीं भी अपनी पॉकेट में, जैकेट की पॉकेट में डाल के लिए जा सकते हैं, दिस मेड मी बाय दिस। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो कि मैं अभी शॉवर में यूज़ करके भी आई हूँ, तो वो जो है वो मेरे फेवरेट हैं, आई मस्ट से कि वो मेरे फेवरेट हैं। सबसे नंबर वन पे एक स्क्रब है, जब मैंने वो ख़रीदा था तो आई वॉज लाइक दिस डोंट सीम्स गुड, बिकॉज ये वाली जो मैंने विटामिन ई क्रीम ली थी ना, सेम इसी ये बराबर वाले सेक्शन से ही मैंने विटामिन ई का स्क्रब लिया था। ये देखें, सेम वही है फॉर एक्सफोलिएशन एंड जेंटल ओटमील एक्सफोलिएटर है, एक्सफोलिएटिंग द स्किन एंड फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। तो बस ये सारी इस पर डिस्क्रिप्शंस हैं, एंड मैं इसको फेस वॉश की जगह मोस्टली यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब आप ट्वाइस अ वीक यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको आफ्टर एवरी वन डे मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब मुझे शावर लेना होता है, सो दिस इज़ द मस्ट गो विथ प्रोडक्ट। ओके, सो ये मेरा जो है ना वो बहुत फेवरेट है, मतलब इससे स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसके बाद जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे स्किन केयर रेंज के हैं, जिनमें से मैंने सिर्फ अभी तक एक मास्क यूज़ किया है, वो भी शायद आधा अभी तक पड़ा हुआ है, वो भी मैं भी आपको उठ के दिखा देती हूँ, ठीक है। उसके अलावा है, मैं कुछ मास्क लेके आई थी जो कि मैंने शायद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिखाए भी थे, जिसमें से है एक प्यूरिफाइंग डेड सी एंड विच हेज़ल। लड़कियों तुमने सुना होगा स्किन केयर प्रोडक्ट्स में विच हेज़ल नाम की कोई इंग्रीडियंट कोई चीज़, मुझे नहीं पता बट मैंने सुना था तो मैंने ले लिया, और काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेजिंग थी। दिस इज़ द फेस मास्क दैट डीपली क्लींजेस एंड क्लैरिफाइज योर स्किन, सो ये कुछ इस तरह का है। तो इसमें यही है कि आप क्लेंजिंग करें, आप एक्सफोलिएशन करें, स्क्रब करें, उसके बाद इस मास्क को लगा के छोड़ दें, व्हेन इट गेट ड्राई यू जस्ट नीड टू रिंस योर फेस विद कोल्ड वाटर और जस्ट अ फ्रेश वाटर एंड दैट्स इट। सो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। जो मैंने फर्स्ट वाला लिया था उससे मेरे पोर्स जो थे ना वो सारे बंद बंद नज़र आ रहे थे, पहले कुछ टाइम के लिए खुल गए थे, आई डोंट नो व्हाई, जस्ट इन केस कि आई वाज यूजिंग द वॉर्म वाटर रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस, तो इसलिए। और मैंने एक ना मॉइस्चराइजिंग क्रीम ली थी सेरावी की, मगर दिस वॉज अ सैशे जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, पर मैंने ये इसलिए लिया था क्योंकि इन आई वॉज लाइक आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि बड़ी बॉटल लेने से पहले मैं कुछ अच्छा सा मतलब ले लूँ, मतलब एज़ यू नो कोई अच्छी सी चीज़ हो जिसको मैं लूँ तो वर्थ पाऊँगा। क्योंकि एक फेस वॉश मैं आपको दिखाती हूँ, दिस वन निविया का, ये एक जेल फेस वॉश है जो कि मैंने ले तो लिया था ब्लू कलर में, इट वॉज लाइक इट स्मेल्स सो गुड मैन, इसको मैंने इसी तरह करके ले लिया था, मगर इट इज़ नॉट गुड, ट्रस्ट मी डोंट बाय इट बिकॉज ये वेस्ट ऑफ मनी है, और दूसरी बात ये बहुत महंगा भी है। तो इसीलिए मैं जो है ना पहले सैशे और मतलब सैम्पल्स की तरफ जाना पसंद करती हूँ कि
वरना ये वेस्ट है ना मेरे लिए, ना मेरी स्किन पे सूट किया ना सबूर की स्किन पे सूट किया. इट्स लाइक वाटर बेस्ड कंसिस्टेंसी जो कि ना क्लेंजिंग फोम बनाता है, कुछ भी नहीं होता. इट्स लाइक वेरी जेंटल, ऐसा लगता है बहुत ही छोटे बेबी स्किन के लिए आपने जो है ना ये प्रोडक्ट बना दिए, जैसे बेबी जॉनसन्स वगैरह होता है. तो इट इज़ नॉट वर्थ इट, आई विल नेवर रिकमेंड इट, बिकॉज ये अभी तक जैसा था वैसा का वैसा पड़ा हुआ. ये हमने ट्वाइस और थ्राइस यूज़ किया जस्ट इन केस कि हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको रिजल्ट बाद में देना शुरू करते हैं, पहले रिजल्ट नहीं आते उनके, लेकिन बहुत ही बेकार है. उसके अलावा एक मास्क लिया था मैंने, हनी फेशियल मास्क, जो कि आपका एक शीट मास्क होता है जस्ट इन केस टू कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड. सो दिस इज द मास्क, ये एक रेगुलर वन है. पहले मैं गार्नियर का ले रही थी मगर फिर मैंने कहा यार आई शुड गो विद दैट, क्योंकि ये ग्लोमिन का है और मुझे ना न्यू प्रोडक्ट्स यहाँ पे ट्राई करने का काफ़ी शौक हो गया, क्योंकि यहाँ पे वर्थ पाइंग चीज़ें मिलती हैं. बस इट कॉस्ट यू कि आप जो है इसको ट्राई करें. देखिए समटाइम्स बुरी भी निकल जाती हैं, लेकिन बाकी जो सारी मैंने न्यू ट्राई की हैं दे आर वर्थ बाइंग, आई मस्ट से. सो दिस इज गोइंग टू बी गुड आई गेस सो, बिकॉज इट कंटेन्स हनी, इट कंटेन्स लिटल एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्स्ट्रा ग्लो सीरम एंड पिंच ऑफ टर्मेरिक एंड ऑल ऑल पता नहीं क्या क्या. तो और सारे इन्ग्रीडियंट्स जो हैं वो सारे वही हैं जो मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी. उसके बाद आते हैं शैम्पू सीरीज़. अच्छा पहले मैं यूज़ करी थी, जब मैं वहाँ से आई थी तो मैं अपने लिए पैंटीन लेके आई थी, क्योंकि शादी के बाद से मैंने पैंटीन चूज़ किया. उससे पहले मैंने किया नहीं था, मतलब किया था लेकिन नॉट ऑन दैट रेगुलर बेसिस, मगर शादी के बाद आई वॉज यूजिंग पैंटीन एंड इट वेंट रियली 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 गुड लाइक सो फार. मेरे हेयर्स में कोई भी शैम्पू ऐसा होता है, इट When my hairs get dry, there is like a lot of frizz in that. जैसे लगता है बम फट गया, like इस तरह हो जाते थे. तो अब नहीं होते एंड दीज आर माई नेचुरल हेयर. आई डिडंट गो विद एनी ट्रीटमेंट एंड ऑल. अभी देखे ड्राई हो रहे हैं. आप लोग कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन इनफ फ्रिज आ सकता है वो ये है. मैं अगर नहा के आती हूँ बाल यूँ होते हैं, लेकिन अभी जितना फ्रिज आ सकता है मोर देन इनफ, जो एक वर्ड में भी भूल रही थी, ये फ्रिज है. And these are my natural hair, no straightening, nothing at all. Pantene is so good, like it is doing so good on me. So, उसके अलावा मैंने यहाँ पे आके एक शैम्पू ट्राई किया था, वो था ट्रेसेमे का. अच्छा ट्रेसेमे मैंने कभी ब्रांड यूज़ किया नहीं है शैम्पू में. आई ऑलवेज हर्ड अबाउट इट लाइक रियली इन द एड्स एंड फ्राम द अदर पीपल लाइक इट्स रियली गुड एंड ब्ला ब्ला, बट आई नेवर गो फॉर इट. सो इसके बाद अभी जब मैं गई थी, अच्छा मैंने क्योंकि एक बार ये यूज़ किया था यहाँ यूके आने के बाद वन एट माई फ्रेंड्स होम, सो आई थॉट आई शुड गो फॉर इट बिकॉज मेरा पैंटीन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है. अच्छा आप देखिए हम दो बंदे हैं और दो बंदों का तीन महीने से एक शैम्पू की बॉटल जो है वो इतनी वो चले जा रही है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है. स्टिल मैं नए ले आई हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ ये कब ख़त्म होंगे, बिकॉज ये बॉटल उससे बड़ी है. तो ये जो ट्रेसेमे का शैम्पू लाई हूँ ये है 2-in-1 एंड दिस वन ग्रीन वन, इस तरह से. अच्छा इस पे भी रिडक्शन लगी हुई थी, पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी थी. सॉरी किस्मत अच्छी नहीं थी एक्चुअली. आई गॉट अ मेंबरशिप कार्ड फ्रॉम सुपर ड्रग. जो लोग मुझे यूके से देख रहे हैं जस्ट गो फॉर इट ब्रो, बिकॉज ऑल द रिडक्शन प्राइसेस आर फॉर मेंबर्स. हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, लाइक देयर वाज नो सेल, इट वाज फॉर मेंबर्स. लाइक अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप ये खरीदें ये वाली बॉटल, तो आपको पड़ेगी कितने पाउंड्स की, लेट मी गेस It will cost you around £6, 5.99. But if you are a member, so you will get buy one get one free. किसको बुरी लगती है ये ऑफर यार. तो एक ये लिया है, एक इसी ट्रेसेमे में मैंने. अच्छा ये सिर्फ शैम्पू 2-in-1 है, सॉरी ये शैम्पू प्लस कंडीशनर है. एक है रिप्लेनिश एंड क्लेंस, वो सिर्फ वन वॉश है, ठीक है. दैट इज ओनली द शैम्पू. हेयर यू सी द डिफरेंस, 2-in-1 एंड द ओनली वन. तो मैंने बाय वन के साथ ये दूसरा वाला लिया, सेम नहीं लिए. तो आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस 2-in-1, ये वाला मैंने यूज़ किया हुआ था. तो लेट्स सी, लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड आई थिंक दे विल बी लाइक गोइंग रियली गुड ऑन माई हेयर, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ अपने हेयर्स के मामले में. तो अच्छा जी उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ एक टोनर. आई हैव नेवर यूज एनी टोनर ऑन माई स्किन, आई will repeat that never, because मुझे पता ही नहीं था टोनर यूज़ कैसे होता है, होता क्या है, क्यों होता है, किस लिए होता है. तो यहाँ पर सारी डिस्क्रिप्शन पड़ी है. और मैंने गार्नियर का स्किन एक्टिव का टोनर लिया है जो कि यू शुड गो फॉर इट.
आई विल से यू शुड. लड़कियों गो फॉर इट का मतलब होता है गो फॉर इट. इट्स रियली 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 गुड. लाइक व्हेन एवर आई कम होम, मैं मेकअप नहीं लगाती एज यू ऑल नो फ्रॉम सो लॉन्ग. जो कि मेरे इंस्टाग्राम वाले फॉलोअर्स हैं वो मुझे जानते हैं. आई नेवर यूज़ मेकअप रादर देन अ लिपस्टिक और सम यू नो मस्कारा एंड ऑल. आई विल नेवर यूज़ फाउंडेशन ऑन माई स्किन एज माई स्किन इज़ रियली सेंसिटिव फ्रॉम द फाउंडेशन. ठीक है, वो मुझे सूट नहीं करता है. तो मैं ये आप लगाते हैं मोस्टली मेकअप उतारने के बाद. इस पर लिखा हुआ भी आफ्टर रिमूविंग योर मेकअप. और मेरा मेकअप क्या होता है, यही मॉइस्चराइजिंग शिया बटर एंड ऑल. जब मैं घर आके फेस वॉश करती हूँ रात में सोने से पहले तो मैं इसको कॉटन बट पे लेके लगा लेती हूँ. एंड ओ माय गॉड द रिजल्ट्स, आई विल से ओ माय गॉड. ये वाला टोनर है रोज एक्सट्रैक्ट्स का है, गार्नियर का है. और क्योंकि मुझे पिंक कलर का टोनर अट्रैक्ट कर रहा था और पीछे से डिस्क्रिप्शन जब मैंने पढ़ी तो फिर मैंने इसको ले लिया. एंड इट इज़ नॉट दैट यू नो एक्सपेंसिव, इट्स रियली चीप एंड इट इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन. सो इट इज़ अ मस्ट बाय प्रोडक्ट. तो उसके अलावा मैंने टोनर अप्लाई करने के लिए ये कॉटन बड्स का रोल भी लिया था. इसमें कितने हैं, लेट मी काउंट, 100 राउंड पैड्स. इसमें 100 हैं टोटल. तो इस टोनर के साथ मैंने ये लिया था. ठीक है, उसके अलावा मैंने कुछ हेयर प्रोडक्ट्स लिए थे सबूर के लिए, बिकॉज उसको रेगुलर बेसिस पे अपने हेयर सेट करने होते हैं. और क्योंकि पेंटीन यूज़ करने की वजह से उसके हेयर्स काफ़ी सिल्की हो जाते हैं. और आजकल जनाब ने थोड़े बड़ा हेयर स्टाइल रखे हुए हैं, यानी बड़े बड़े हेयर्स लटों वाले एंड ऑल. फैशन भी तो करना है ना. तो उसके लिए जो है मैंने लिया था लॉरियल का ये वाला हेयर स्प्रे. अच्छा, ये वैसा नहीं है कि आपके बाल बहुत स्टिकी और कड़क से कर देगा. इट इज़ रियली रियली यू नो it will go really smooth on your hair. Like when you will do this, तो आपके fingers जो हैं, उंगलियों जो हैं वो अंदर जाएंगी जो बालों की लटें हैं उनमें. कुछ हेयर स्प्रे होता है आप यूँ नहीं कर सकते, यहीं पर हाथ रह जाता है आपका. तो let me show you ये वाला हेयर स्प्रे है. तो ये काफ़ी छोटा सा और ये भी मैंने ऐसे ट्रायल बेसिस पर लिया था, मगर इट इज़ डूइंग रियली गुड ऑन हेयर हिज हेयर. आज मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ ना ये सारी स्किन केयर और हेयर केयर रेंज देखे कि मैं वर्ड्स जो है ना मेरे माउथ से स्लिप होना शुरू हो जाते हैं एज यू सी. उसके अलावा एक जेल लिया था मैंने उसके लिए, ये है फिनोमिनल मोल्डिंग पेस्ट. आई डोंट नो बट इट इज़ स्मेल सो गुड. ये इस तरह की कंसिस्टेंसी है, क्रीमी क्रीमी टाइप की. पहले वो ये लगाता है फिर स्प्रे करता है और ओ माई गॉड द हेयर स्टाइल गोज. आपने न्यू ईयर पर उसका हेयर स्टाइल देखा होगा ना, वो इन्हीं प्रोडक्ट से उसने बनाया था. तो ये कोई इस तरह का जेल है. ये भी मैंने उसका जो है वो सुपर ड्रग से लिया था. पता नहीं ये मेरे कैमरा में शायद मिरर मोड ऑन है क्या है, सारे अल्फाबेट्स उल्टे दिखा रहा है, ये शायद मुझे लग रहे हैं. तो उसके बाद जो मैंने आज कंडीशनर यूज़ किया है आफ्टर डूइंग पैंटीन, तो ये पैंटीन का मैं एक कंडीशनर लेके आई थी, ये वाला. अच्छा, आप लोग बोलेंगे सारी रोज़ सीरीज़ क्यों लेके आ रही है लड़की. ये भी जो है ना वो है बायोटीन प्लस रोज़ वाटर विद सिलिकॉन फ्री कंडीशनिंग क्रीम. तो ये भी जो है ना, मैं देखें यहाँ पे रोज़ वगैरह कुछ बना हुआ, तो ये भी अच्छा था. मतलब रिजल्ट जो है वो मुझे अच्छे ही लगे. और उसके अलावा मैंने आज ये जो है कुछ और भी अप्लाई किया है कंडीशनिंग के बाद, वो है ये वाली क्रीम. लाइक दिस इज़ अ कंडीशनिंग क्रीम अगेन फ्रॉम पैंटीन, हियर यू सी. अच्छा, इसके अंदर ये है कि बैम्बू प्लस प्रोटीन प्लस रिकन्स्ट्रक्ट एंड इट्स अ लीव इन क्रीम. लाइक आप जब नहा के आएंगे आपके हल्के हल्के हेयर्स वेट होते हैं तो आपको उसके अंदर ये लगा के छोड़ देना है एंड दैट्स इट. अच्छा, इट विल टेक 2 to 3 hours एज मैंशन ऑन दिस पोर्टल. 2 to 3 hours के बाद इट विल शो द रियल रिजल्ट. लाइक फ़ौरन आपको नहीं मिलेंगे रिजल्ट. अच्छा, ये फ्रिज कंट्रोल के लिए होता है, ये आपके हेयर जो नहाने के बाद ऐसे 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 कर लिए हो जाते हैं खुद ही खुद ही, उसके लिए होता है. तो इसका जो रिजल्ट है वो मिलेगा अभी 2-3 hours के बाद एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट होता है. अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने बताया आपको लाते यूज़ कर लिए थे, तो उनमें कुछ थी आईब्रो वैक्स स्ट्रिप्स जो कि कुछ इस तरह की थी. ये 4 थी बल्कि, ये 2 ये नहीं और बाकी 2 मैं जो है वो शायद यूज़ कर चुकी हूँ. दे आर नॉट गुड आईब्रो स्ट्रिप्स जो है, अगर तो आपको वीट की मिलती हैं आई विल से गो फॉर इट और एल्स लीव इट, दे आर नॉट वर्थ इट. क्योंकि अभी 2 जो हैं फजूल हैं. सोचें मेरी इन 2 छोटी छोटी आईब्रोज में पूरे 2 बड़े बड़े स्ट्रिप्स लग गए. हाउ इज़ दिस पॉसिबल, बिकॉज दे आर नॉट स्टिकी एट ऑल. सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. और उसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरी वैक्स स्ट्रिप्स की, तो दूसरी वैक्स स्ट्रिप्स जो हैं वो मैंने ली थी वीट की. अच्छा, डब्बे शब्बे मैंने फेंक दिए क्योंकि रखने जब स्पेस कम होता है ना आपके पास ड्रॉज वगैरह में, तो आप समझते हैं बस ऐसे ही रख दें चीज़ें. तो ये देखें वैक्स
स्ट्रिप्स हैं वीट की प्लस ये. अच्छा वीट की वैसे स्ट्रिप्स मैंने पाकिस्तान में भी यूज़ की थी मगर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस लाइक आई मस्ट से ह्यूज डिफरेंस. दीज स्मेल्स लाइक अ जेली लाइक अ स्ट्रॉबेरी जेली. एंड जो स्टिक वाला जो इनका है ना बॉन्ड होता है जो आपकी स्किन पे जाके स्टिक होता है, एक तो पाकिस्तान वाले यूं ही उतर जाते हैं, इनको आपको खींचना पड़ता है और व्हेन यू सी इट रिमूव्स ऑल द डेड स्किन ब्रो. सो इन यूके गो फॉर इट, दीज आर रियली गुड फॉर स्किन. अच्छा इसकी एलो वाली भी मैं ट्राई करूँगी एंड आई विल लेट यू नो कि हाउ दे आर लाइक रिजल्टिंग एंड इफ दे आर गुड फॉर द सेंसिटिव स्किन, बिकॉज उस पर लिखा हुआ था. मेरी सेंसिटिव स्किन नहीं है हाथों पैरों की, तो इसलिए मैंने जो है वो स्ट्रॉबेरी वाला जो है वो ले लिया. स्ट्रॉबेरी तो नहीं है खैर, इसमें से सिर्फ स्मेल आती है फ्रूटी फ्रूटी सी. अच्छा जी उसके अलावा क्या रह गया है, उसके अलावा मैंने एक लिया था, मुझे बेबी जॉनसन्स का ना बेबी लोशन और बेबी पाउडर बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा बिकॉज इट सूट्स मी. तो ये मैं एयर्स एंड एयर्स एंड एयर्स से यूज़ करती आ रही हूँ, लेकिन वो मुझे मिला नहीं. उसकी जगह मुझे मिला है बेबी लोशन है, ये हाइपो एलर्जेनिक एंड आई डोंट नो व्हाट्स द कंपनी. यहाँ पे लिखा तो बेबी लोशन ही है पर ये पता नहीं कौन सी कंपनी है, मगर दिस वन इज़ टू गुड लाइक आई यूज़ इट फॉर माई फेस एंड मेरी ड्रेसिंग टेबल भर गई है एंड आई लाइक कौन सा लगाऊँ ये 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 ये. तो मैंने आपको बताया मेरे पास काफ़ी मॉइस्चराइजर्स हैं, ईदर आई गो विद दिस ऑन माई फेस और दिस और मे बी द शिया बटर. सो ये सनलाइट को क्या हो गया अचानक से चली गई है शायद. अच्छा जी ये सारी चीज़ें थी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने, अच्छा जब मैं लाई थी ना तो मैंने सब सेटल कर दी थी कोई यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, तो आई हैव लिटरली नो आइडिया कि कुछ चीज़ें कहाँ पड़ी हैं. बट दिस वॉज द सुपर ड्रग हॉल एंड आई एम रियली इन्जॉइंग इट, क्योंकि मैं जब ये यूज़ करी हूँ अभी मैंने आके जिस यूज़ किया है ना सबसे लास्ट प्रोडक्ट वो ये वाला है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट्स आफ्टर द 2 hours और मे बी ये जब तक दिख जाएगा जब मैं जाऊँगी अभी अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने. देखिए कैसे ना बताया मैंने आपको, मैं जब ये काम से जाना था जिसके लिए मैं नहाई हूँ मैं तैयार हुई हूँ और मुझे जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने अपना और एक सबूर का, बिकॉज वी आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, जस्ट विश अस अ गुड लक. एंड उस डॉक्यूमेंट के बाद जो जॉब लगेगी उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी बिकॉज दैट इज़ द ड्रीम जॉब कैन से, बिकॉज यहाँ पे उसका टेस्ट देना उसको पास करना उसका इंटरव्यू देना ऑल नॉल बहुत लंबा प्रोसेस है. तो अभी तो सबूर का है लेकिन मैं सोचती हूँ अपने भी डॉक्यूमेंट साथ ही टेस्ट करवा लूँ. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक लेट्स गो. एंड इतना बोल बोल के आई स्टार्टेड फीलिंग हंग्री अगेन, बट आके कुछ खाऊंगी और लेट्स गो बिकॉज आज वेदर बहुत अच्छा है. लेकिन ये धूप इतनी गर्म है, ये जो मेरे फेस पे विंडो से आ रही है ना मुझे इनफैक्ट फील हो रही है, इट मेक्स मी फील लाइक आई एम सिटिंग इन पाकिस्तान नियर माय विंडो. सो ओ माय गॉड. अच्छा जी ये जो सारा मैंने खिलारा कर दिया है अभी आपको दिखाना ही चक्कर में, पहले मैं इसको समेटूँ और फिर हम निकलते हैं और बाकी की बातें तो साथ साथ होती रहेंगी. सो लेट्स गो. तो मैं निकल गई हूँ डॉक्यूमेंट्स इनसाइड द बुक और मुझे याद आया था मुझे लाइब्रेरी में एक बुक भी वापस करनी थी जो कि मैंने बड़े शौक किया ले तो ली थी, मगर क्योंकि मुझे बुक पढ़ने का शौक़ नहीं है तो मुझसे कुछ पेजेस से ज़्यादा पढ़ी ही नहीं गई. तो आई थिंक बस निकलने से पहले मुझे बस स्टॉप तक पहुँच जाना चाहिए. सो बस स्टॉप पर आ गई हूँ एंड इट सेज़ कि 18 मिनट्स के बाद जो है वो मुझे बस मिलेगी. नाउ I need to wait for whole 18 minutes straight away क्योंकि मैंने बस मिस कर दी है. जस्ट आफ्टर रीचिंग द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट आई सॉ द बस पासिंग बाय एंड स्ट्रीट से निकलने के बाद इट टेक्स अराउंड 1 or 2 minutes टू रीच द स्टॉप एंड आई मिस द बस अनफॉर्चुनेटली. सो आई हैव टू वेट फॉर 16 minutes. Here you can see. Destination. Finally, it's too cold out there. जब मैं घर से निकली थी it felt like आज बहुत sunny day है but look at the sun is like disappeared. I
it's too cold. Not too cold, but it's a windy day today. So let's listen to some songs and pass the time. Or perhaps county give your I am going for the attachment of documents. After so many struggles, like because buses are on diversion today, I just reached the Pakistan High Commission. You can see the Pakistani flag right behind me. Let me show you with the back camera. And finally, let's go. Hope so ki aaj mera kaam ho jaye jis kaam se main yahan pe aayi hu. Let's see. Here you see, this is the Pakistan's High Commission, jahan se mere documents attach honge. And this is the surrounding. So many buildings, you have no idea. Let's see, I guess samne wale street jo gate hai usme hi chale jaate hain. They asked me to wait here. Pehle to wo keh rahe the ki Pakistan se attach hoga, lekin as I requested, so finally I am waiting and there's a clock at 2:10. I need to go up the stairs with my document and hope so inshallah test ho jaye, because warna bahut khwari ho jayegi. So let's see, 10 minutes wait karna padega yahan pe. Pehle to main bahut darr gayi thi, I swear, because mujhe nahi pata tha yahan pe appointment leke aana hota hai, but thank god finally ja rahi hu third floor pe. Allah khair hi kare, so it's scared right now. Oh my god. And guess what, oh yes. Finally, वरना मुझे लगा था आज तो पक्की ख्वारी होने वाली है. मैं गई हूँ, मैंने कहा गिव योर डॉक्यूमेंट, मैंने बोला हियर यू गो एंड दैट्स इट. हाउ सिंपल इट वाज. फाइनली लेट्स गो आउटसाइड. ये देखें, ये वजह है बस डाइवर्जन की यहाँ पे, और काफ़ी रोड्स पे काम चल रहा है रोड का, दैट वाज द रीज़न. आई थिंक लेट्स गो इनसाइड द लुफ्थान, बिकॉज आई हैवंट गो any of the Louis Vuitton's tour before, so let's go. मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं अभी स्टोर से बाहर आई हूँ, and I don't understand कि ये लोग इतने पागल क्यों हैं इस Louis Vuitton के पीछे. All the items inside were least attractive man, और फिर उसके नहीं, मतलब इंसान अपनी किडनी बेचते उनको खरीदने के लिए. Sucks man. अच्छा, मैंने अंदर जो है मैंने इसलिए शूट नहीं किया, बिकॉज आई वॉज लाइक अगर किसी ने बोल दिया डू यू नीड एनी हेल्प, और यू नो वो आ जाते हैं ना लोग सर पे, आई डोंट लाइक देम. और दूसरी बात, मुझे आइडिया नहीं है किस तरह के ब्रांड्स अलाउ करते हैं, बिकॉज उनको लगता है उनके आइटम्स चोरी हो जाएंगे, ब्रांड स्ट्रैटेजीज. बट खैर, आई थिंक मुझे रोड क्रॉस करना चाहिए, और I don't like Louis Vuitton. I'm not like other girls who want Louis Vuitton bag without any reason. Shit man. मैं तो ये buildings देख के खुश हूँ, and Primark की bags के साथ खुश हूँ. You see, यहाँ पे Central London में अगर sale लगती है तो elites को लगता है OMG, लेकिन हमारे लिए वो sale भी sale नहीं होती ना, बिकॉज बहुत महंगा है, बहुत महंगा है. मैं बता नहीं सकती हूँ, आई डोंट नो ये क्या है. मेरे ख्याल से हार्वी निकॉल्स पे भी सेल लगी है, जिसका ऊपर फर्स्ट फ्लोर भी है. बट लेट्स गो, हम क्या करें. ये देखें, इस तरह के इतने अट्रैक्टिव स्टोर्स होते हैं, मगर उनमें कपड़े उतने ही फजूल होते हैं. वेल, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी मुझे एप्पल के स्टोर में जाना था. And see what's behind me. मैंने अभी चलते चलते देखा, एंड आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ गोइंग इन साइड एंड टेकिंग यू गाइज विद मी. आई गेस सो यहाँ पर मुझे वो शूट करना अलाउ कर दें. सो लेट्स गो एंड फाइनली इन साइड द स्टोर. ओ माई गॉड, लुक एट द आइटम्स, आई वांट टू बाय देम ऑल. मेरे पास दो ही किडनीज हैं. लेट मी शो यू ऑल के, लेट मी शो यू. ये है प्यारा सा सिटिंग एरिया, एंड हियर यू सी दीज आर द एयरपॉड्स सीरीज एंड द हेडफोन्स. ओएमजीज. एंड सिमिलरली लुक एट द स्टोर, द आईपैड्स, द लैपटॉप्स एंड एवरी सिंगल थिंग.
जलवा ही जगह है ये आईफोन लवर्स के लिए. एंड आउटफिट इटसेल्फ, लुक एट द एम्बियंस ब्रो. ये वाला पीस चेक करें यार. एंड हियर वी गो. ये पेन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. हियर इज द कैमरा. एंड ta-da! बैग कहाँ से? यहाँ से. चेक आउट दिस MacBook Air. हाउ सेक्सी दे आर. ये तो दिन है. एनी हाउ चेक. ओह अमेजिंग. एंड ta-da! iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro and Pro Max. See the difference. देखने में तो कोई खास डिफरेंस नहीं है. iPhone 14 Plus. बैग से चेक करें तो यू कैन सी हियर. आई गेस सो ये भी यही है. या नहीं, लेट मी चेक देम फ्रॉम बिहाइंड. बैग से ये some of the iWatches collection and they are the prettiest one, but I am not interested in the watch, iWatch or any watch, because मैं watch ही बहुत कम पहनती हूँ. And वहाँ पे जो है phone covers हैं. And here are some more phones. Let's check out. ये again वही है. So I think let's leave. Planned this vlog is because मैंने क्या क्या नहीं एक्सप्लोर कर लिया इसमें. काफ़ी सारी चीज़ें. इवन द एप्पल स्टोर, माई ड्रीम दैट केम थ्रू एक्चुअली. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो देयर, बट अभी भी मैंने, क्योंकि मुझे वापस जाना है एंड बस डाइवर्जन का कुछ पता नहीं है, तो वो डिटेल से देखने वाली चीज़ नहीं की. बट ऑलरेडी स्पेंड 45 मिनट्स इन द स्टोर एंड आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ because I am all alone. And abhi Sabur ko leke aaungi next time and we are going to purchase something from here, I bet you, inshallah. I'm not betting, but betting is haram. So something in front of me looks very interesting. Let me show you. And here I miss my dearest husband Sabur because I am enjoying the central London views all alone. And here you see लाइन से लंदन के सारे ब्रांड्स लगे हुए हैं. ये गेस भी कोई ब्रांड होगा. उसके अलावा स्टारबक्स, हॉलैंड एंड स्वीट कैफे एंड ओह माय गॉड. सो लेट्स गो. अब लेट्स लुक एट द बस स्टॉप दैट माइट बी समवेयर इन, जो कि मुझे मिल जाएगा रोड क्रॉस करके. Because I see this bus going to Bhatni Bridge and I have once been there. Bus stop ki taraf jaane lagi to pata chalta hai bus stop hi band hai. Ab mujhe ek aur stop aage jana padega kyunki bahut zyada construction wala kaam ho raha hai. Plus let me show you some real life to nahi keh sakte magar itna real dikh rahe hain wo. PUBG mein nahi hote is tarah ki costumes and players and guns. So let me show you because I was passing by a shop and I saw some characters like this. सेकेंडली सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही होती है ना तो मेरे होंठ जम जाते हैं, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही होती. मतलब आवाज़ निकलती है लेकिन कांट एक्सप्लेन. प्ले बैट लेट मी शो यू. शॉप का नाम है जॉर्जियो अरमानी एंड आई डोंट नो, मुझे लगा रियल बंदा बैठा हुआ है, बट दिस वाज नॉट रियल. ओ माई गॉड, लुक एट देम यार, हाउ रियल दे लुक्स. और ये वाला तो फुल माई फेवरेट. ओ माई गॉड, plus it's drizzling and there are some more as well. Kitne cute cute hai yaar, aisa lag raha hai bas asli baitha hai main mandir. Oh my god. So let's go. Ye dekhen, ye wala jo construction area hai iski wajah se road block hai aur bus nahi mil rahi hai. Plus barish ko bhi abhi hona hai jab main umbrella leke nahi nikli hu. Let's go towards the bus stop. Oof. अब मेरे लास्ट काम रह गया है लाइब्रेरी जाके बुक रिटर्न करनी है क्योंकि बाकी
day of India today was a really productive day indeed, and I actually enjoyed it because after so long I got a holiday and it went so well. कल का तो पूरा दिन सोने में गया था एंड आई हेट स्लीपिंग. यहाँ पे आके तो आई हेट स्लीपिंग, वरना मैं आई वाज अ रियली गुड स्लीपर. सो माय फोन इज अबाउट टू डाई एज वेल, बट आई हैव टू लेट यू गाइस शो दैट वी आर इन द लाइब्रेरी एंड हाउ इट लुक्स लाइक. सो बाय द वे मेरे घूमने का भी अलग मजा है. ये आज मैंने नोट किया, बारिश हो रही है दिमाग और ये लाइब्रेरी आ गई है, शुक्र है ओपन मिल गई है. ये देखें 4 बजते नहीं है कि अंधेरा शुरू हो जाता है. सो लेट्स गो इनसाइड. फाइनली यहाँ पे कोई बोरो की भी बुक वापस करने के लिए ये मशीन होती है और लेट्स सी रिटर्न आइटम्स. सो इसको इधर पुट करना है लाइक दिस. या ये आ गया मीट मी द लाइफ. नाउ फिनिश. यू हैव रिटर्न वन आइटम, वुड यू लाइक अ रिसीट? यस. प्लीज रिटर्न टू द फॉलोइंग आइटम्स इन द बिन बिलो. ओके ये आप बिन में फिनिश एंड देयर इज माय रिसीट एंड व्हाट इट सेज दैट रिटर्न्ड आइटम्स. सारे काम हो गए हैं तो फाइनली आई एम गोइंग टू एंड दिस ब्लॉग राइट हियर एंड आई एम गोइंग होम एंड माय फोन इज गोइंग टू डाई. होप यू ऑल एंजॉयड दिस ब्लॉग एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स. एंड इतनी बारिश हो रही है कि मुझे डबल डबल पहनना पड़ रहा है जस्ट इन केस कि मेरा ये जो वूल वाला टोपा है ना ये गीला ना हो जाए. तो नाउ राइट नाउ आई एम लीविंग फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड मेरी तौबा आइंदा नो बुक बोरोइंग, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करती. दैट्स नॉट माई हॉबी एंड दैट्स आउट ऑफ माई इंटरेस्ट. सो मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ.